अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमायरा और अजान की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा मुगलाई स्टाइल में। तो ये मैंने 700 ग्राम्स मटन लिया है विद बोन है, बोनलेस नहीं है, विद बोन है ये। अब इसमें सबसे पहले हमें इसको मैरिनेट करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें जाएगा 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। नींबू डालने से क्या आएगा, मसाला सब अच्छे से हमारे मटन में अंदर तक उसका फ्लेवर आ जाएगा और नींबू से क्या गलने में भी आसानी होगी। अब इन सबको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स और कम से कम इसको मैं 1/2 घंटा छोड़ दूंगी, जब तक ये हमारा मैरिनेट होगा, जब तक इसकी हमें ग्रेवी के लिए सब मसाला रेडी करना है। ये देखिए, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब मैं इसको ढक के फ्रिज में तो नहीं रखूँगी, बाहर ही छोड़ दूँगी इसको 1/2 घंटे के लिए। तेल डालने से क्या हो गया, हमारी पीसेस पे मसाला अच्छे से कोटिंग हो गया है। मटन मैरिनेट को मैंने रख दिया है। अब इसका मसाला मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1/2 चम्मच सफ़ेद जीरा और 1/2 चम्मच शाही जीरा लिया है और ये जावित्री का फूल। ये थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा लिया, इससे क्या हमारे जो कोरमे में खुशबू बहुत अच्छी आएंगी। और इस तरह से मैंने छोटा छोटा करके दालचीनी लिए, ये भी मैंने थोड़ी ज़्यादा लिए। और मैंने इसमें लिए 5 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिरी, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची और ये चक्रफूल जो रहता है ना वो है, और थोड़ा सा केसर। इसमें मैंने 6 काजू लिए, 6 बादाम, 6 पिस्ता और 1 छोटा चम्मच मैंने चारूली लिया। इन सबको ना हमें ड्राई रोस्ट करना है और अच्छे से मतलब बारीक पाउडर बनाना है। और थोड़ा सा इसमें मैंने जायफल भी लिया है, जो मैंने जायफल, इलायची और दालचीनी और ये जावित्री का जो फूल है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोरमे में, क्योंकि इससे हमारे कोरमे में बहुत अच्छी खुशबू और जो भी बोलते हैं ना मुगलाई टच आता है। तो अब इसको एकदम मैंने एक तवा रख दिया, अब उसमें मैं ड्राई रोस्ट करूंगी। तवा गर्म हो गया है, ज़्यादा नहीं हमें भुनना है इसको, एकदम थोड़ा कि जो भी इसके फ्लेवर है ना इन्हेंस हो जाए। भुनने से क्या है इसके फ्लेवर थोड़े इन्हेंस हो जाते हैं। और मैंने 3 प्याज को ना एकदम लंबी लंबी कट करके फ्राई करके रख लिया है इस तरह से। अब मैं इसको भूनूंगी और इसका एकदम मिक्सर में डाल के बारीक पेस्ट करना है। अगर आपसे मतलब ड्राई पाउडर बन सकता हो तो बना लेना, कभी नहीं होता तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। सब मेरे जो मसाले थे वो अच्छे से भून चुके हैं, मैं उसको निकाल दूँ। यह हमारा होममेड कोरमा मसाला है। अब कोई सा भी कोरमा बनाओ, चिकन मटन, अगर आप ऐसा मसाला डालोगे तो उससे खुशबू और टेस्ट काफी अच्छा आएगा। मैंने कुकर रख दिया, कुकर में 1 कप ऑयल डाल दिया गरम होने के लिए। जो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा था वो हमें इसमें ऐड करना है। अच्छे से अभी इसको मिक्स करके हमें इसे भून लेना है। एक 2 मिनट में ना गैस का फास्ट ही रखूंगी, मतलब जो भी आँच है कि अच्छे से जो भी अदरक लहसुन हो सकता है वो अच्छे से भून जाए। मटन को मैंने अच्छे से भून लिया, मैं गैस को कर दूंगी स्लो। अब इसमें ना मैंने 1 कप दही जो अच्छे से फेट किया है वो इसमें ऐड कर दूँ। अब जब तक हमारा दही मतलब पक ना जाए, जब तक हमें इसको अच्छे से भूनना है। एक बार मिक्स कर देंगे और जब भी दही डाले हमेशा गैस का फ्लेम ना स्लो ही रखना, तो दही फट जाता है कभी ज्यादा फास्ट रहेगा तो। अभी
एक दो मिनट में इसको स्लो में ही पकने दूंगी, फिर उसके बाद मैं गैस को फास्ट कर दूंगी। जो कटोरे में मैंने मैरिनेट किया था ना, उसी में मैंने आधा ग्लास पानी डाल के अच्छे से साफ कर दिया, इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बार मैं इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स, और मैं इसको सीटी लूंगी, कम से कम 5 से 6 सीटी मैं लूंगी, हमारा गोश्त 80% गल जाए। और मैंने जो आपको मसाला बताया था वो मसाला भी मैंने पीस दिया। हमेशा याद रखिए, जब भी ये मसाला आप डालें कोरमे, इसको हमेशा फ्रेश बना के ही डालें, तो ही आपके मतलब कोरमे में खुशबू टेस्ट अच्छा आएगा। सीटी हो चुकी, गैस को भी मैंने निकाल दिया है, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख सकते हैं कितनी तरी छूट चुकी है हमारे कोरमे में, और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब मैं गैस को कर दूंगी फिर से ऑन, और जो प्याज हमने तल के रखी थी ना, उसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमने हमारा कोरमे का मसाला बनाए थे वो भी इसमें हमें डालना है, पूरा ही डालना है। अब मैं इसको कर दूंगा अच्छे से मिक्स, इसको स्लो करके। ये स्टेज पे आप नमक मिर्ची सब टेस्ट कर लेना कैसा है, और कितना आपको पानी चाहिए, गाढ़ा चाहिए थोड़ा, या इससे थोड़ा पतला चाहिए, तो आप कर सकते हैं। मैं एक 2 मिनट इसको पकने दूंगी कि जो भी हमारा मसाला है वो अच्छे से मटन में चला जाए, जो हमने कोरमे का मसाला बनाए थे। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत बेहतरीन आ रही है जैसे मैंने मसाला डाला है, तो अच्छे से इसको पका लिया। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैं इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करूंगी। हमेशा याद रखना, जब कोरमा हमारा पूरा पक जाए, सब हो जाए, तो कभी उसमें ठंडा नहीं, मैंने थोड़ा पानी गर्म कर लिया। इसमें एक आधा कप इतना मैंने पानी ऐड कर दिया है बस, मुझे ज़्यादा मतलब ना गाढ़ा अच्छी ना ज़्यादा पतला अच्छी, देख सकते आप। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पुदीना, कोथमीर, और एक हरी मिर्ची को मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया है, यह अब हमें इसमें ऐड कर देना है। अभी डाल के मैं बस 2 मिनट पकाऊंगी। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। प्लीज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब ये 2 मिनट पकने दूंगी मैं इसको, फिर आपको इसमें प्लेट में या मैं एक बाउल में निकाल के इसको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये है कोरमे का फाइनल लुक, देख सकते हैं मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।